कृष्ण मोहिनी, जो कि फैमैन खान का नया शो है, हाल ही में कलर्स टीवी पर लॉन्च हुआ था और इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। यह शो अपने प्रारंभिक दिनों में ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था, लेकिन अब इस शो को लेकर कुछ चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब यह शो शुरू हुआ था तब इसकी टीआरपी 0.7 थी, जो कि एक नई शुरुआत के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन हाल ही में शो की टीआरपी में गिरावट देखी गई है और अब यह 0.6 पर आ गई है। यह टीआरपी कलर्स टीवी के मानकों के हिसाब से बहुत कम है और इसे चैनल के एग्जीक्यूटिव्स द्वारा अंडर स्कैनर में रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर आने वाले हफ्तों में शो की टीआरपी में कोई सुधार नहीं होता है तो इसे बंद किया जा सकता है। यह खबर शो के प्रशंसकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपने दुख और निराशा को व्यक्त किया है और शो को बचाने के लिए अपील कर रहे हैं। शो के मुख्य कलाकार फैमैन खान के लिए भी यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है। उन्होंने इस शो में अपनी पूरी मेहनत और दिल से काम किया है और इसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सपना देखा था। फैमैन के साथ साथ अन्य स्टार कास्ट भी इस खबर से निराश हैं और सभी को उम्मीद है कि दर्शक उनके शो को और अधिक समर्थन देंगे। दर्शकों के विचार इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आप चाहते हैं कि कृष्ण मोहन शो जारी रहे, या फिर आपको लगता है कि शो को बंद कर देना चाहिए? आपकी राय इस समय बहुत मायने रखती है और शो के भविष्य को निर्धारित कर सकती है। अपने विचारों को साझा करें और बताएं कि आप इस शो के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी प्रतिक्रिया से शो की टीम को भी एक नई दिशा मिल सकती है। अगर आपको यह शो पसंद है और आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अधिक से अधिक लोग इसे देखें ताकि टीआरपी में सुधार हो सके। आपकी छोटी सी कोशिश भी शो को बचा सकती है और फैमैन खान और उनकी टीम के प्रयासों को सराहना दिला सकती है।